लॉकडाउन की वजह से शराब की दुकानें बंद हैं, जिसका सीधा फायदा अवैध शराब तस्करी करने वाले उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रजनांद गांव जिले से लगे मध्य प्रदेश क्षेत्र से आ रही अवैध शराब का जखीरा रजनांद गांव पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब के धलड्डे से बिक्री बढ़ गई है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिले होने की वजह से रजनांद गांव में इन राज्यों से अवैध शराब की तस्करी हो रही है। बीते लगभग 5 दिनों में पुलिस ने कई छोटे छोटे शराब के मामले पकड़े थे। इसके बाद पुलिस ने सप्लाई की कड़ी तक जाने के लिए जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के प्रभारियों की एक टीम बनाई और कड़ी दर कड़ी जोड़कर पुलिस आगे बढ़ती गई। इस दौरान पुलिस ने गिरफ्त में आए आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मोहरा में पूरन वर्मा के गोदाम से 262 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। मामले का खुलासा करते हुए आज पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश के धार जिले में निर्मित शराब की अवैध तस्करी की जा रही थी। इस मामले की तह तक जांच की जा रही है। रजनांद गांव जिले की विभिन्न थाना क्षेत्रों के अंतर्गत शराब तस्करी करने वाले लोगों को पकड़ा गया है। पुलिस ने मध्य प्रदेश से आ रही अवैध शराब से जुड़े कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस के अनुसार लगभग 7 से 8 आरोपी फरार हैं। इस पूरे मामले में अभी तक मुख्य सरगना के रूप में उभर कर आ रहे खैरागढ़ के गातापार कला निवासी मनीष राजपूत भी फरार हैं। रजनांदगांव पुलिस ने लगभग 5 दिन के एक छोटी बड़ी कार्यवाही में कुल 340 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत लगभग 13 लाख रुपए बताई जा रही है। बहरहाल पुलिस शराब के बैच नंबर के आधार पर इसकी सप्लाई और इस अवैध कारोबार में शामिल लोगों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ से संवाददाता प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।